हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जो है वो कल यानी कि शुक्रवार को जारी करेगी। घोषणा पत्र कमेटी ने पार्टी का वादा पत्र तैयार कर लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने भी 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर अपनी मुहर जो है वो लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा पत्र जब जारी होगा इस मौके पर वो मौजूद रहेंगे। वहीं हुड्डा शाम को ही चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। 11 अक्टूबर को सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लगभग 12 बजे घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या हो सकता है। चौबीस घंटे में किसानों का कर्ज जो है वो माफ किया जा सकता है। बुजुर्गों को पहले ही महीने से 5100 रुपए पेंशन दी जा सकती है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों को राहत पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। किसान मजदूर और कमजोर तबके को ऋण से निजात दी जाएगी। ये तमाम बातें हैं जो घोषणा पत्र में हो सकते हैं। किसानों को पराली की समस्या से राहत के इंतजाम का वादा भी किया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवकों को 10,000 रुपए का प्रावधान संभव है। ग्रेजुएट बेरोजगारों को 7,000 रुपए हर महीने का वादा किया जा सकता है। बुजुर्ग दंपत्ति को हर महीने 10,200 रुपए पेंशन देने का वादा भी संभव है। बीपीएल परिवार की महिलाओं को भी कांग्रेस 2,000 रुपए का वादा कर सकती है।